In Routh-Hurwitz testing, next case is for multiple roots. Multiple roots, in other words, we can also say that repeated roots. Okay, so repeated roots का केस और multiple roots का केस एक ही बात है. So अगर हमारे पास multiple roots exist करते हों किसी भी polynomial के अंदर, तो then जो event weather polynomial है, that event weather polynomial itself has another event weather polynomial जो उसको पूरा divide करेगा with zero remainder. Means के जो रूथ अरे हम डेवलप कर रहे हैं, that रूथ अरे will reveal row of zero twice. So दो दफा row of zero आएगी हमारे पास रूथ अरे के अंदर. एक दफा row of zero आई, उसको हमने एलिमिनेट किया, तो देन अगेन row of zero फिर अपीयर होगी. ओके, ये सेम बिल्कुल इस तरह से बात है जिस तरह से हम 16 की बात करें तो 16 हैज टू इवन पॉलिनोमियल, टू इवन नंबर्स बेसिकली एज अ फैक्टर, मींस 4 into 4. ओके, और इसी तरह से अगर हम इस फर्दर फैक्टर 4 की बात करें तो 4 इटसेल्फ हैज इवन फैक्टर्स 2 into 2. ओके, सो ये बेसिकली मल्टीपल रूट्स का या रिपीटेड रूट्स का केस आप कह सकते हैं. तो इस तरह से कि इवन जो भी आपके पास पॉलिनोमियल इट हैज इवन फैक्टर्स, और उन इवन फैक्टर्स के आगे अगेन फर्दर उसके भी सब इवन फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं. अब ये रिपीटेड रूट्स का केस जो है सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ फौरन ही रिवील कर देता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर एक रो ऑफ जीरोज आती थी जिस तरह के हमने पहले देखा था, तो एट बेस्ट सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल. हमने देखा था कि बेस्ट से बेस्ट अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाएं तो ये केस हो सकता था हमारे पास कि आईए कॉन्जुगेट पेयर्स एग्जिस्ट करते हों. ओके, सो इन दिस केस सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल. ओके, ये मार्जिनली स्टेबल का केस है. सो बेस्ट पॉसिबिलिटी ये थी कि एक रो ऑफ जीरो में सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो सकता है इफ सम रूट्स आर ऑन आईए एंड अदर्स आर इन एलएचपी. मतलब अगर दो एक पेयर कॉन्जुगेट पेयर आईए पे हो और बाकी एलएचपी में सारे रूट्स हों, so then or कोई भी RHP root ना हो, तो then we can say that the best system is marginally stable. But when we have two row of zeros, then system will be unstable. Okay, so we have repeated roots or multiple roots, means के row of zero दो दफा आई है, so the system will be unstable. Now we have, if we have this kind of IA pair, so अब repeated roots row of zero twice होने की वजह से that means कि we have repeated root here. So ये repeated root का केस आपको पता है कि ये unstable केस है. ओके, so दो दफा row of zero आने का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है वो अब multiple roots या repeated roots available हैं system के अंदर. So for example if we have this polynomial और इसकी अगर हम root array बनाना start करें, so then we see कि S3 row के अंदर row of zero आ गई. So that means this S4 polynomial is basically event weather polynomial. So ये event weather polynomial है जिसकी वजह से row of zero appear हुई है S3 row के अंदर. So इसके ऊपर हम dash line लगा देंगे. So because this S4 is the event weather polynomial. अब नेक्स्ट जो है वो इस रो ऑफ जीरो को हम ख़त्म करने के लिए बेसिकली E1 ऑफ S, ये event weather जो polynomial है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे with respect to S and will replace it as in S3 row against row of zero. So that's how we will do. अब इसका हमने डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव को जो है वो कोएफिशिएंट्स को हमने S3 row की जगह प्लेस कर दिया. सो फर्दर नेक्स्ट रूथ अरे को कंप्लीट करते हुए वी अगेन सॉ दैट S1 रो के अंदर अगेन रो ऑफ जीरो अपीयर होगी, एंड हेयर दिस S2 रो इज द बेसिकली रो ऑफ जीरो. So basically S2 row is the event weather polynomial. So ये event weather polynomial S2 row again से यहाँ पे ये एक और event weather polynomial है जिसकी वजह से row of zero आई. So इस row of zero को eliminate करने के लिए basically अब हमें S2 पे जो second event weather polynomial है which is 24S square plus 96, इसका जो है वो derivative लेना है. And we can also see that के इसके अगर हम आगे roots निकालें, so it is showing us two roots, two imaginary axis roots. So इसका derivative complete लेने के बाद event weather polynomial के बाद again हम उसको replace कर देंगे against row of zero. So that's how we have completed the Routh array. Now ये repeated roots का case है, multiple roots का case है. So we saw basically two row of zeros, and इसी तरह से इसमें दो event weather polynomial है. One is S4 That was the first event by the polynomial, and second one is the S2 row. That was the second event by the polynomial. So अब इसी तरह से जो रूट्स की लोकेशन को लेफ्ट कॉलम में टेस्ट करने का जो मेथड था वो बेसिकली टेस्ट भी अब तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो इन कंप्लीटेड रूट अरे अब जब हम रूट लोकेशंस चेक करेंगे तो फर्स्ट टेस्ट विल बी फ्रॉम सेकंड इवेंट वाइजर पॉलिनोमियल अप टू लास्ट एलिमेंट. सो लेफ्ट कॉलम में सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे एंड वी सी के यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट कॉलम के अंदर कोई साइन चेंज नहीं है. सो नो साइन चेंज मीन्स कि देयर इज नो आरएचपी रूट. सो नो आरएचपी रूट होने की वजह से इसके अगेंस्ट कोई भी जो सा इसका LHP रूट नहीं होगा. ओके, सो इस क्योंकि रो ऑफ जीरो के अंडर की बात थी तो हमें पता है कि यहाँ पे कॉन्जुगेट पेयर्स में रूट एग्जिस्ट करेंगे. तो अगर आरएचपी रूट नहीं है तो कोई भी इसका कॉन्जुगेट पेयर LHP रूट नहीं होगा. ओके, सो दैट मीन्स के दीज टू रूट्स आर बेसिकली दैट वाज S2. सो दीज टू रूट्स आर बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस कॉन्जुगेट पेयर्स. दीज आर टू IA रूट्स. ओके, इसी तरह से अब सेकेंड टेस्ट के लिए we will start from first event-weather polynomial up to second event-weather polynomial. So ये second हमारा test होगा. So first event-weather polynomial को भी include कर रहे हैं और second event-weather polynomial again फिर से include होगा. Okay, and in this case we also again see that here is no sign change in left column. So यहाँ से यहाँ तक कोई sign change नहीं है. So that means कि यहाँ पे भी कोई RHP root नहीं है और कोई आरएचपी नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई भी जो सा वो उसका कॉन्जुगेट पेयर एलएचपी रूट्स में नहीं है. सो अगेन दीज टू रूट्स आर बेसिकली आईए रूट्स. सो ये दोनों भी अगेन टू आईए रूट्स होंगे. सो सेकंड टेस्ट में भी जो है वो हमारे पास टू आईए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स ही आएंगे. सो इन थर्ड टेस्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो अप टू फर्स्ट इवेंट वेदर पॉलिनोमियल एंड in this case is in this third test we will see for left column sign changes. Again here we have no sign change in this third test. No sign change means there is no RHP roots and RHP roots nahi hai to IA roots bhi nahi hai to remaining these two roots are in LHP. So ye dono LHP roots honge. Okay, so these two roots are in LHP. So that's how is tarah se humne jo hai wo left column ko ab तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके टेस्ट किया. सो रिमेंबर कि जो इवेंट वेदर पॉलिनोमियल है वो रिपीट होते हैं दोनों टेस्टिंग के अंदर. ओके, सो सेकंड इवेंट वेदर पॉलिनोमियल जो सा वो फर्स्ट टेस्ट में भी आया जो कि S2 रो से S0 रो तक था. फिर इसी तरह से सेकंड जो इवेंट वेदर पॉलिनोमियल था वो सेकंड टेस्ट में भी आया जो कि S4 रो से S2 रो तक था. एंड इसी तरह से जो है वो फर्स्ट इवेंट वेदर जो पॉलिनोमियल है वो थर्ड टेस्ट में भी आया, रिपीट हुआ फर्स्ट रो से फर्स्ट इवेंट वेदर पॉलिनोमियल तक. ओके, सो दैट्स हाउ इस तरह से हम थ्री पार्ट्स के अंदर जो है वो मल्टीपल रूट्स के केस में, रिपीटेड रूट्स के केस में थ्री पार्ट्स के अंदर हम लेफ्ट कॉलम को साइन चेंजेस के लिए चेक करेंगे. और इस तरह से टोटल हमारे पास जो है अब 0 आरएचपी रूट्स हैं, 2 एलएचपी रूट्स में आगे जो कि सबसे टॉप पे हैं. और इसी तरह से जो हमारे पास 2 इमेजरी एक्सिस 2 आईए रूट्स यहाँ पे बने थे और इसी तरह से 2 आईए रूट्स यहाँ पे बने थे. सो वी हैड टोटल 4 इमेजरी एक्सिस रूट्स एंड ये मस्ट है कि ये मल्टीपल कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे, ये रिपीटेड रूट्स होंगे बिकॉज रो ऑफ जीरो 2 दफ़ा ही है. सो प्रेजेंस ऑफ रो ऑफ जीरो ट्वाइस विल रिप्रेजेंट बेसिकली विल कन्फर्म दैट कि ये दोनों जो ये चारों 4 इमेजिनरी एक्सिस रूट्स हैं, ये मल्टीपल रूट्स हैं, ये कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं. मींस कि वी इन दिस केस वी हैव रिपीटेड रूट्स एज ए कॉन्जुगेट पेयर्स. ओके, और 2 एलएचपी रूट्स हमारे पास वो एलएचपी में कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे. सो प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रूट्स और प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रो ऑफ जीरोज स्ट्रेट अवे रिगार्ड दिस सिस्टम एज अनस्टेबल सिस्टम. ओके, सो मल्टीपल रूट्स की वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल है. ये हम पहले देख चुके हैं कि हाउ रिपीटेड रूट्स विल रिजल्ट इनटू एन अनस्टेबल सिस्टम. सो इसी तरह से इन प्रॉब्लम्स में अब आप फर्दर आपको फाइंड आउट करना है कि कितने एलएचपी, कितने आरएचपी और कितने आईए रूट्स हैं. सो माइट बी यहाँ पे मल्टीपल रो ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करती हों सो मल्टीपल रो ऑफ जीरोस अगर एग्जिस्ट करती होंगी तो रिमेंबर कि ये अनस्टेबल सिस्टम होगा और रिपीटेड रूट्स होंगे। सो क्वाइट पॉसिबल है कि अगर आप इस फर्स्ट एग्जांपल को देखें और इसमें अगर मल्टीपल रोज ऑफ जीरोस आती हैं, सो इन दिस केस वी कैन एज्यूम दैट कि ये जो 2 RHP अगर प्रोवाइडेड के मल्टीपल रो ऑफ जीरोस आई हैं इस रूथ अरे के अंदर, सो देन फ्रॉम दिस रिजल्ट आई कैन अज्यूम दैट के 2 RHP रूट्स और 2 LHP रूट्स जो हैं ये बेसिकली कॉन्जुगेट पेयर्स हैं और रिपीटेड कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। ओके, सो ये इस तरह से है एंड इट इज़ अनस्टेबल सिस्टम। ओके, सो प्रोवाइडेड के अगर जो सा यहाँ पे लाजमी हमारे पास 2 दफ़ा रो ऑफ ज़ीरो आती है तो तब हम इस तरह से रूट की लोकेशंस को एज्यूम कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप जो है वो इन बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें और अगर इनमें मल्टीपल रूट्स आते हैं या मल्टीपल रो ऑफ जीरोस आती हैं तो दैन उसमें ये हमेशा अनस्टेबल सिस्टम ही होगा और इस तरह से रिपीटेड रूट्स का केस होगा। ओके, एट लास्ट यू हैव अ बिगर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपको जो सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ दी हुई है। सो ये 2 ब्लॉक डायग्राम्स आप देख सकते हैं। ओके, सो ये ब्लॉक डायग्राम्स हैं एंड दिस वन इज SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो आप इनके अंदर अब जो है वो SFGs और ब्लॉक डायग्राम को के रिडक्शन मेथड से और SFG को मेसन गेर रूल के मेथड से आप रिड्यूस करेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। सो बेसिकली आपको ये बताना कि ये सिस्टम स्टेबल हैं या नहीं है। सो फर्स्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। सो फर्स्ट यू विल कंप्यूट बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन of these systems. So transfer function निकालने के बाद denominator of the transfer function is the characteristics polynomial. So characteristics polynomial को basically आप Routh-Hurwitz testing के through check करेंगे। Okay. So characteristics polynomial will be tested. With Routh-Hurwitz testing. So characteristics polynomial को आप यूज करते हुए रूथ रे डेवलप करेंगे और रूथ रे डेवलप करने के बाद आप जो है वो फर्दर इन प्रॉब्लम्स के अंदर सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं बाय लुकिंग एट नंबर ऑफ RHP, LHP and IA रूट्स इन दिस रूथ रे। सो RHP, LHP और IA रूट्स फाइंड आउट करेंगे आप कितने हैं, तो उसकी बेस पे आप सिस्टम का बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स।